4 जून को मतों की गणना होनी है, उससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने बड़ा आरोप लगाया है। कवासी लखमा का कहना है कि सीआरपीएफ के अधिकारी स्ट्रांग रूम में घुसे थे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का आरोप लगा रहे हैं आप। मेरे को पता चला है कि हर जगदलपुर में 3 विधानसभा के पेटी रखा हुआ है, दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा में, बीजापुर का बीजापुर में, सुकमा का सुकमा में, नारायणपुर का नारायणपुर में, और कोंडागांव का कोंडागांव में। मेरे जो कार्यकर्ता वहाँ सो रहे हैं, रात को भी ड्यूटी कर रहे हैं, दिन को भी। एक तो पिछले साल जैसे हर समय रहते थे तो कैमरा के सामने जगह देते थे, इस समय रोड के ऊपर दिया। कल थोड़ा सा हम लोग को शिकायत मिला है कि सीआरपीएफ का अधिकारी लोग अंदर बाहर घुस रहे हैं। उसमें हमारा वकील से गया था कि अंदर जो सील है वहाँ तक नहीं गए, जो इन लोग का बैठने गए वहाँ तक गए। इसीलिए फिर भी हम लोग अभी कलेक्टर को शिकायत कर रहे हैं, अगर ऐसा और हो जाएगा तो चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। क्या लगता है ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका? हमारा शंका तो ऐसी है कि जब नियम के अनुसार जहाँ सील लगा हुआ है, कलेक्टर का सील है, हमारे पार्टी का सील है, हमारे वकील का सील है, उसके अंदर कोई भी नहीं जाना चाहिए, जाने का भी नहीं है। जब पेटी खुलेगा तभी जाना है। कांग्रेस पार्टी बोलती रही कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, यह हो सकता है ईवीएम पर भरोसा नहीं है? दुनिया कांग्रेस पार्टी नहीं बोले, आप कार्यकर्ता बोलती है, जहाँ वोट डालता है वो गाँव वाला। जब हम चुनाव प्रचार में जाते हैं वहाँ लोग बोलते हैं हम तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, यहाँ नहीं बोल रहे। उड़ीसा में, तेलंगाना में, कन्याकुमारी में, सब जगह बोल रहे हैं। जहाँ जहाँ भी लोग जनता आम जनता वोट दे रहा है वो बोलते हैं हम आज से आपको वोट डालेंगे, लेकिन ईवीएम में क्या होगा? एकदम पूरे दिल में वोट देने वाला कार्यकर्ता के पास दिल में घुस गया है। क्या आपको लगता है बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? हम लोग होना चाहिए, सब तो मांग कर रहे हैं, लेकिन चुन क्यों नहीं रहे? अगर ऐसा कर नहीं सकता है तो एक ही पार्टी क्यों नहीं चुन रहा है? बाकी सब पार्टी बोल रहे हैं, आम जनता बोल रहा है, कार्यकर्ता बोल रहा है। सवाल, क्या माहौल है पूरे देश में कांग्रेस की बात की? अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, भारतीय जनता पार्टी टाई हो गया। भारतीय जनता पार्टी टाइटा होगा, राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, ये कहना है कवासी लखमा का। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़।